चलो, ये वो तीन, वो शहीद वीरांगना है मंजू बाला, सुंदरी देवी और जो जाट थी मंजू जाट, वो तीनों का रोल देखिए आप कितना सुंदर यहां पे चित्रण किया गया है। और हमारे लोकल बच्चे हैं इसी क्षेत्र के, वीरांगनाएं हैं, कोसा दिया गया था इनके पति के नाम, स्कूल का नामकरण, कॉलेज का नामकरण, चौराहे का नाम। करते हैं, सबसे बड़ा आतंकी हमला था पुलवामा में, राजस्थान के 5 लोग शहीद हुए थे, इनकी वीरांगनाएं हैं, इनको भरोसा दिया गया था इनके पति के नाम। देखो मैं आपको समझा देता हूं, ये तो पत्रकार है, ये पत्रकार है, ये तीनों वीरांगनाएं हैं, मंजू जाट, मधुबाला और सुंदरी, जिनके पति शहीद हुए थे, जिनका आंदोलन हमने जयपुर में किया था, और 10 दिन तक ये वीरांगनाएं मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए बैठी रही, मुख्यमंत्री जी नहीं मिले, मैं भी इनके साथ बैठा रहा, इनको भी उठाया, मेरे को भी उठाया, मेरी गर्दन तोड़ी, मेरे को भी गिरफ्तार किया। ये किरोड़ी लाल जी हैं, और ये जिन्होंने हमारे साथ, ये इंग्लिश का चैनल है, ये हिंदी का आज तक का चैनल है, वो टाइम्स नाउ है, और ये इंडिया टीवी है, और ये पुलिस के वो थानेदार एसपी डीएसपी हैं जिन्होंने हमारे साथ हमारे कपड़े फाड़े, मारा पीटा, उठा कर ले गए। क्यों भाई? हाँ, एक शहीद का परिजन यहाँ पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लेकर विधानसभा के बाहर आए हैं। विधानसभा के सदस्य, माननीय मंत्री और सदस्यगण विधानसभा के अंदर हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी हमसे बातचीत करते हैं। सबसे बड़ा आतंकी हमला था पुलवामा में जी, राजस्थान के 5 लोग शहीद हुए थे, इनकी वीरांगनाएं हैं, इनको भरोसा के पति के नाम, स्कूल का नामकरण, कॉलेज का नामकरण, चौराहे का नामकरण, सड़क का नामकरण, और जिस पर आश्रित रहती है उनको नौकरी, ये मेरे पास आई है। इनका कहना यह है कि हम मुख्यमंत्री जी से हमको मिलाओ, मैं अब मुख्यमंत्री जी से मिलाने के लिए इनको लाया हूँ। बातचीत करते हैं एक एक करके, क्या नाम है, कहाँ से आई हैं आप और क्या परेशानी है? मैं कोटा जिला सांगोद से आई हूँ। हेमराज मीणा जी की धर्मपत्नी? धर्मपत्नी हूँ। वीरांगना मधुबाला हूँ मैं। 4 साल हो गए मैंने, शांति धारीवाल जी, प्रमोद जैन भाई जी और रमेश मीणा जी, ये सब गए थे, बड़े बड़े वादा करके आए थे। 3 साल हो गए माना भागता, ये छोटी पुण्यतिथि भी निकल गई, माँ की कोई भी न सुन रही हूँ। माना भाई साहब करोड़ी लाल जी को नाम सुने के भाई न्याय का देवता, दुनिया के पास आया, खाल रात खानो पीणो यहाँ के पास ही खुआ भाई साहब ने, यही किया माँ, और आज माँ यहाँ के साथ ही आई भाई साहब के साथ। भाई माँ को भी न्याय होगा, माँ मुख्यमंत्री साहब से मिलवाया था, तो मानो मिलवाने दे रहा, गेट लगा दिया। रोहितास लांबा जी के परिवार से हैं आप? हाँ जी। आपको, आपकी क्या मांग है, क्या परेशानी है, क्या कुछ वादा किया गया था आपसे? हमसे वादा किया था जब शहीद हुए थे ना, तब से कि एक तो मेरे देवर के लिए नौकरी के लिए बोले थे, वो एक शहीद स्मारक की 4 दीवारी के लिए बोले थे, गढ़ तक रोड के लिए बोले थे, 3 मांगे हैं हमारी भी। ये शहीद की विधवा के आंसू शर्मनाक है, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आदेश लोग हैं सबके लिए। सिविल लाइन में मुख्यमंत्री जी, चलो आ जाओ सिविल लाइन चलते हैं। आप भी सही साथ, किस तरह से नोक झोंक हो रही है यह भी देखा जा सकता है कि पुलिस के साथ इनकी धक्का मुक्की जो हो रही है, पुलिस बीच में एक एक करके कोशिश कर रही है कि जो उनके साथ चल रहे हैं उन्हें रोका जाए, और इसी वजह से इस तरह की परिस्थितियां बन रही है। आप बता रही थी कि ये जो था चौराहे का नामकरण या फिर चौराहे, इस तरह से बार बार जो है झड़प हो रही है पुलिस और
डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बीच। योगेश गोयल वो बार बार शहीद की विधवा वीरांगना पुलिस इस कटाव से और वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आरोप कर रही है कि जयपुर पुलिस ये शहीद के विधवाओं को कहा जा रहा है कि उठा उठा के बस में डालो। वीरांगनाओं के लिए संघर्ष किरोड़ी मीणा वीरांगना मंजू से मिलने के लिए अमरसर के लिए रवाना हो गई, लेकिन इस बीच समुद पुलिस ने बैरिकेड लगाए और किरोड़ी लाल मीणा को रोक दिया। अरे आप आ गया जी, माननीय धर्मेंद्र जी से पूछ रहे हैं सर क्यों रोका जा रहा है, हॉस्पिटल ले गए कहाँ ले गए, ये तो बता दीजिए राज्यसभा सांसद है क्यों रोका जा रहा है, भाई लोकतंत्र है एक सांसद को क्यों रोका है बता तो, राज्यसभा सांसद है मैं रोका जा रहा है, धक्का मुक्की हो रही है, पुलिस क्यों रोक रही है, बात करके जवाब देता हूँ, बात जाओ भैलों से बालाराम बात कर लो, उदय सिंह भैलों से बात कर लो, धर्मेंद्र से बात कर लो, गहलोत से करने वालों से बात कर लो, हमारा हमको अपमान कर रहे हो, नहीं 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 सर हमारे साथ हत्तापाई कर रहे हो, आपके धक्का ले हमारे कार्यकर्ता को पीट रहे हो, आपका क्या अधिकार है मेरा रास्ता रोकने का, मैं देश के किसी कोने पे जा सकता हूँ, अगर मेरे को कानून में हाथ मिलिया तो मेरे को गिरफ्तार करो, जमा और किस तरह से जो आंदोलन है बीजेपी के अरे तालियां बजाओ, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। उस दृश्य को बिल्कुल साक्षात रूबरू कराया हमें, अब आपके बीच में अगले कलाकार बेटा हरियाणा के सुप्रसिद्ध एक बार ये दो मिनट का हाँ इस बच्चे डॉक्टर साहब के ऊपर लो बेटा जल्दी करना है, जोरदार तालियों से नन्हे कलाकारों का स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। जय आदिवासी, मैं खुशबू मीणा, गांव नामोलाऊ, मुझे भाषण देना नहीं आता, मैं अखबार टीवी फेसबुक यूट्यूब पर न्यूज डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भ्रष्टाचार पेपर लीक शहीदों की वीरांगनाओं व सौर समाज के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमेशा आंदोलन करते रहते हैं, चाहे अलवर रैप शंभू पुजारी का मामला, बहन बदाम देवी का मामला, हिंडौन में एक बहन को उठाकर रेप कर
होती है, पर उसे ज्ञान नहीं होने के कारण वह जंगल में इधर उधर घूमता रहता है। बाबा हमेशा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, चाहे वह किसी भी समाज से क्यों ना हो। बाबा के अलावा किसी ने भ्रष्टाचार व अन्याय के खिलाफ बताओ? बाबा हमेशा समाज को साथ लेकर चलने वाले हैं। बाबा कभी समाज को धोखा नहीं देगा। अत्यंत आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इधर उधर ना भटके और बाबा का साथ दे। धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ इन और अब आपके बीच में हरियाणा के सुपरस्टार कलाकार भाई अजय हुड्डा जी आपके बीच में आ रहे हैं। जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। अजय हुड्डा जी और उनकी टीम को सम्मान मंच पर लेके आए, आइए जोरदार तालियां एक बार, क्योंकि कलाकार बाहर से आए उन्हें लगना चाहिए कि राजस्थान की धरती में भी प्यार है, सम्मान है।